बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अचानक शादी की खबर का ऐलान करके सभी को हैरान करके रख दिया है। स्वरा भास्कर ने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फहद अहमद के साथ अपनी शादी की पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया और इसके साथ ही बताया कि दोनों ने 6 जनवरी 2023 को कोर्ट मैरिज की थी। फहद के साथ शादी करते ही एक्ट्रेस ट्रोल्स के निशाने पर आ गई है। एक्ट्रेस के पुराने कुछ ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं जिसके बाद एक्ट्रेस को गंदे तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। स्वरा और फहद की वेडिंग फोटोज इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई है। इसी बीच स्वरा भास्कर का एक पुराना ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें स्वरा ने फहद को भाई बताते हुए बर्थडे विश किया था। स्वरा भास्कर की शादी के कुछ ही घंटे हुए इस बीच उनका पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। स्वरा भास्कर का ये ट्वीट ज्यादा पुराना नहीं बल्कि इसी महीने 2 फरवरी का है। स्वरा ने फहद अहमद के साथ अपनी एक फोटो को शेयर किया और मजाकिया अंदाज में कैप्शन में लिखा, जन्मदिन मुबारक हो फहद मियां, भाई का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, खुश रहो, आबाद रहो, उम्र हो रही है, अब शादी कर लो, आपका बर्थडे और ये साल शानदार रहे। शादी का अनाउंसमेंट करने के बाद स्वरा भास्कर का ये पुराना ट्वीट वायरल हुआ और इसके बाद स्वरा को गंदे तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि 2 महीने पहले जिसे भाई कहा अब उसे सैया बना लिया है। सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं किस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं और इसके साथ ही स्वरा को गंदे तरीके से लोग ट्रोल कर रहे हैं। फहद अहमद के साथ शादी के बाद स्वरा भास्कर ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया जिसमें फहद के साथ स्वरा नजर आ रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि कभी कभी आप जिसे दूर तक खोजते हैं वो आपके आसपास होते हैं। हम प्यार की तलाश में थे लेकिन हमें पहले दोस्ती मिली, फिर हमने एक दूसरे को पा लिया। मेरे दिल में आपका वेलकम है फहद जरार अहमद, यहाँ बहुत शोर है लेकिन ये तुम्हारा है। स्वरा भास्कर ने जनवरी में भी पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को मिस्ट्री मैन से मिलवाया। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि उनके पति फहद अहमद है। इससे पहले राइटर हिमांशु शर्मा के साथ स्वरा भास्कर के रिश्ते की खबरें सामने आई थी। आपको बता दें स्वरा भास्कर ने फहद अहमद के साथ अपना रिश्ता जो बताया वो पूरी जर्नी उन्होंने शेयर किए गए वीडियो में बताई है। स्वरा भास्कर ने बताया कि प्रोटेस्ट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और इसके बाद फहद अहमद ने स्वरा भास्कर को अपनी बहन की शादी में बुलाया। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया और इसके बाद दोनों ने फैसला किया हमेशा के लिए एक दूसरे को अपनाने का। स्वरा भास्कर ने शादी का वीडियो और वेडिंग फोटोज को जैसे ही सोशल मीडिया पर डाला सभी तरफ हंगामा मच गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि स्वरा भास्कर इस तरीके से अपनी शादी का ऐलान कर देंगी, लेकिन ये सच है कि स्वरा भास्कर ने फहद अहमद के साथ शादी कर ली है जो कि समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। हालांकि स्वरा भास्कर की शादी पर लोग उन्हें गंदे तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि 2 महीने पहले जिसे भाई कहकर वो बुला रही थी 2 महीने बाद उसी शख्स से स्वरा भास्कर ने शादी भी रचा ली है। स्वरा भास्कर की शादी पर क्या कुछ कहना है आपका, जल्दी से हमारे कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।